तो भाई अभी अपना प्लान बनाया, प्लान है ट्राइवट जाने का। और भाई बारिश आ के काफ़ी तेज़, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी बारिश अगर स्लो भी हो तो हम निकल जाएंगे। कर देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, चलते हैं ट्राइवट। तो दोस्तों ये सुबह का वेदर, सुबह वेदर कुछ ऐसा था, बारिश नहीं थी बिल्कुल भी और बादल नीचे से आ रहे थे, मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी हो रही है बारिश। ज़्यादा स्टीप है, हो सकता है आप कैमरे में डाली नहीं उतनी, लेकिन बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टीप है, चढ़ा गया आप। तो अभी हम जा रहे हैं ट्राइम ट्रैक के रास्ते पे, यहाँ हम जाएंगे पार्किंग करेंगे हम गोलू टेंपल के पास, या ये रास्ता है। खैर कई बंदे यहाँ से ट्रैक करके जाते हैं, हम लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी, ये एडवेंचर भी पूरा अच्छी है। खैर कुछ भी हो यार बढ़िया है, नज़ारे बढ़िया है, रोड बिल्कुल खराब है वो बात है, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे हैं। चल रहे हैं अभी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, उसके बाद फिर ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा, तो देखते हैं। हम गोलू टेम्पल से निकल चुके हैं और ट्रैक का ट्रैक हमने स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है। और खैर सुबह से आज मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही सुबह से और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है यार। लेकिन भाई जर्नी कंटिन्यू, अपनी एडवेंचर पूरा है, करेंगे ट्रैक कंप्लीट, अभी चलते हैं। और ये है यहाँ का रास्ता, तो भाई ये कुछ ऐसा रास्ता है, स्टीप है काफ़ी, लेकिन कोई नहीं अभी एनर्जी पूरी, अभी तो देखते हैं। अभी यार ये लगभग है 6 किलोमीटर के आसपास, चलेंगे आराम से 3 घंटे में अराउंड पहुंच ही जाएंगे हम, तो जो हमारी स्पीड है। सुबह हमारे डॉक्टर साहब जा रहे हैं, डॉक्टर दीपक, फुल ऑन एनर्जी, बिल्कुल रुक भी नहीं रहा यार, थकान तो है ही नहीं, चल रहे हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी। भाई चल रहे हैं ट्रेन ट्रैक पे और यहाँ से यार ये देखो नज़ारे, देखो यार क्या शानदार नज़ारे है, ये है पूरा मैक्लोडगंज। और बारिश अभी खैर कम हुई है, बंद नहीं हुई, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे, आपको विंडो इस भी आ रही होगी, काफ़ी देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा यहाँ पे। दोस्तों ये देखो हमने वहाँ से उस जगह स्टार्ट किया था गोवा गल्लू टेम्पल, और उस रास्ते से उधर से आते हुए हम आए यहाँ पे, यहाँ पे आ चुके हम, और ये इधर रास्ता चल रहा है हमारा। और नज़ारे तो यार क्या कहने, जितने हम हाइट पे चलते जा रहे हैं नज़ारे उतने यार ज़बरदस्त होते जा रहे हैं, देखो। और अब तो फॉग भी कम हुई है पहले से, वो सामने ऊपर उधर डैम है, पता नहीं कौन सा डैम है, लेकिन है ज़बरदस्त, एक नंबर नज़ारे। भाई ये देखो यार नज़ारे, वो कितना बड़ा वाटरफॉल आया रास्ते में, अभी हमने लगभग आधे से ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। और यार ये देखो कितना बड़ा वाटरफॉल है,
तो ये देखो दोस्तों, अभी इस वाटरफॉल को क्रॉस करके जाएंगे हम। यार वाह क्या ट्रैक है, एक नंबर। ये देखो यार, ये देखो नजारे। अभी हमने कवर किया लगभग आधा ट्रैक, और यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, कि हमारे दीपक भाई बिल्कुल थक के चूर हो चुके हैं, ज़बरदस्त तरीके से थक चुके हैं ये। ड्रिंक कोई नहीं करते हैं, इनको लेके चलेंगे ऊपर खींच के। दोस्तों ये देखो एक और वाटरफॉल आ चुका है रास्ते में। यार ये देखो भाई, रास्ते पे पूरा पानी और हमें इसी रास्ते से जाना। ये देखो यार, ओ भाई साहब यार गजब, कमाल है यार कमाल। ये देखो यार ये देखो यार वाटरफॉल, और ये भेड़ आ चुके हैं कुछ हमें कंपनी देने के लिए, और ये पहाड़ी कुत्ते लग तो नहीं रहे यार पहाड़ी कुत्ते, पर ठीक है उनका यार बाल को ना कुछ बड़े बड़े होते हैं पहाड़ी कुत्तों के। तो भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लगभग बचा हुआ है 1.5 किलोमीटर के आसपास अभी ट्रैक बचा हुआ है। और यार ये देखो नज़ारे, ये हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब दोस्तों एक और वाटरफॉल आ चुका है, और यार ये वैसे ना और जो बाकियों से काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा भी है, व्यू काफ़ी अच्छा है यार यहाँ से। और ये देखो और ये हमारे डॉक्टर साहब कहाँ जा चुके हैं। और ये देखो यार करके जाएंगे, ओ पानी ठंडा यार बिल्कुल, पैरों में चला गया यार, पीछे में चला गया पानी, वाह बहुत ठंडा पानी है।
दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है और यार रास्ता काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, अभी बड़े बड़े पत्थर है रास्ते पे, काफ़ी समझ नहीं आ रहा रास्ता कौन सा है। हमारे डॉक्टर साथ जूझते हुए पत्थरों के साथ, तो भाई ये रास्ता है कुछ ट्रेंड का लास्ट में, ये इसका एंड पार्ट चल रहा है, बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं ट्रेंड तक। और जो लास्ट का स्ट्रेच है ना वो काफी खराब है, क्योंकि यहाँ पे ना ऊंचे ऊंचे पत्थर है जिनको चढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती है। ये कुछ ट्रैक है लास्ट का हमारे डॉक्टर साहब। दोस्तों लगभग पहुंच चुके हैं ट्रायन, और यार ये नज़ारे देखो यहाँ से, तो सामने धौलाधार रेंज दिख रही है बिल्कुल क्लियर, वाह जबरदस्त एक नंबर की जगह यार, कि वाह जबरदस्त क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।